समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नागपुर को मिले 3 प्रोजेक्ट, 19,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का प्रयास, सोलर वीवी मॉड्यूल यूनिट भी मिला, शराब कंपनी का प्रस्ताव भी मंजूर। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में निवेश को गति देने के लिए 81,137 करोड़ के 7 निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें से एक मदर यूनिट को विदर्भ में लाने में सफल हुए हैं। अक्सर निवेश का बड़ा हिस्सा या मेजर प्रोजेक्ट विदर्भ से बाहर ही आते रहे हैं, लेकिन इस बार बदलाव देखने को मिला है और एक मेजर यूनिट लाने में एक बार फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निश्चित रूप से सफलता मिली है। चुनाव के पहले इन्वेस्ट के लिए किए गए निर्णय का दूरगामी असर देखने को मिलेगा। ये दावा किया जा सकता है कि इस निवेश से विदर्भ की सूरत में आमूलचूल बदलाव देखने को मिल सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मुंबई में बैठक हुई। दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत सहित तमाम हाई प्रोफाइल अधिकारी बैठक में शामिल हुए। राज्य में निवेश को गति देने के लिए 81,137 करोड़ के 7 निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आंकड़े वाकई में काफी बड़े हैं। खुशखबरी यह है कि इस बार निवेश का एक बड़ा हिस्सा नागपुर क्षेत्र में आने वाला है। बैठक में फडणवीस ने अवाड़ा इलेक्ट्रो कंपनी की सौर पीवी मॉड्यूल और इलेक्ट्रोलाइजर की एकीकृत परियोजना लाने में भी सफलता अर्जित की है। अतिरिक्त बूटी बोरी में अवाड़ा इलेक्ट्रो कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल एवं इलेक्ट्रोलाइजर का एकात्मिक प्रकल्प लगाएगी। इसमें भी 13,647 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसका कुछ हिस्सा कंपनी पनवेल में भी निवेश करेगी। 8,000 को प्रत्येक रोजगार मिलेगा। अतिरिक्त बूटी बोरी में शराब बनाने वाली वैश्विक कंपनी नर्नाल्ड रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड के 1785 करोड़ के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इस प्रकार के प्रकल्प की जरूरत विदर्भ को काफी समय से थी। लोग बेसब्री से किसी बड़े निवेश की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। चुनाव के ठीक पहले फडणवीस ने धमाका करने का काम किया है। ये उम्मीद की जा सकती है कि नागपुर के वीरान MIDC में जान फूंकी जा सकती है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।